हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है इसके फिर से एक नए वीडियो में। मैं कल फिर से एक नई वीडियो लेकर चुका हूँ गाइस रियलमी C30S फ़ोन के बारे में। एंड इसके मैं टॉपिक बना रहा है गाइस, वो है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन के बारे में अपन बात करेंगे गाइस। जैसे कि अगर आपके फ़ोन में अगर लॉक स्क्रीन है और आपके फ़ोन में जो है नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तब उस किस प्रकार से नोटिफिकेशन सेटिंग को ऑन करके अपने स्क्रीन लॉक में जो है गाइस नोटिफिकेशन को शो कर सकते हैं। चलिए गाइस, बात करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं फोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में गाइस। सबसे पहले आपको देखिए सेटिंग को ओपन करना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको देखिए ऐप नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखा है ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, भी इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको दिखाया तो ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन का, भी इस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे आपको दिखाया शो कन्वर्सेशन डिफॉल्ट एंड साइलेंट नोटिफिकेशन, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है गाइस। तो आपके फ़ोन में अगर लॉक स्क्रीन भी है तो भी गाइस आपको जो है नोटिफिकेशन शो होगा आपके लॉक स्क्रीन पे। तो गाइस इस प्रकार से आपको सेटिंग को ऑन कर लेना है एंड अपन डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। एंड सेटिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बाय बाय।